हाथरस में हुए गैंगरेप मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, जिसके चलते हर कोई पीड़ित लड़की के इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इसी के चलते आज पठानकोट में शिवसेना बाल ठाकरे के पंजाब प्रधान की ओर से मृतक लड़की को जहां श्रद्धांजलि दी गई, वहीं उन्होंने शहर में कैंडल मार्च भी निकाला और केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें ऐसा घिनौना काम करने वालों को फांसी की सजा हो। बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, निशा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, बेटी को इंसाफ दो, दोषियों को जेड़ी मौजूदा केंद्र की गवर्नमेंट है, यूपी की जेड़ी मौजूदा गवर्नमेंट है, बहुत बड़ा मोदी साहब ने एक नारा दिता सीगा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अज देश दे विच ऐसा माहौल हो गया कि एक बेटी नूं जेड प्लस सिक्योरिटी तो दूजी बेटी दे नाल दरिंदे और दरिंदगी कर रहे हैं। अज पूरे हिंदुस्तान के लोग जिहड़ियां छोटी छोटियां संस्थावां ने, छोटे छोटे एनजीओ ने, राजनीतिक संगठन ने, सारे रोणा ते ने कि देश की जिहड़ी बेटी है सुरक्षित नहीं है। मतलब कि सरकार का जिहड़ा नजरिया है डबल है, एक बेटी वास्ते कह रहे हैं भी उन्होंने जेड प्लस सिक्योरिटी और दूजी नूं दरिंद के नोच रहे हैं। असी समय समय से सरकार आगे मांग रखी है कि इस्लामिक कंट्रियां वांगू, खास करके बलात्कारियों वास्ते इस्लामिक कंट्रियां वांगू एक कानून बनना चाहिए। शरेआम जिस शहर के घटना होंगी है उस शहर के मेन चौंक के ऐसे दरिंदों को शरेआम फांसी मिलनी चाहिए है, ता जो जी अज की बाकी युवा पीढ़ी है उसके ध्यान के गल रहे कि इन्होंने दरिंदगी की सी तो इन्हों ऐसी मौत मिली है। तो मतलब ये को बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। सरकार को जल्द तो जल्द अपनी देश की बेटिया वास्ते, साड़िया भैनों वास्ते सख्त तो सख्त कानून लैके, चाहे वह सेंटर की सरकार है चाहे वह स्टेट दी गवर्नमेंटा ने, जल्द तो जल्द सख्त कानून लैके आना चाहिए ता जो देश दी बेटियां जिहड़ी हैगी आ उह सुरक्षित रहन। Regarding admission shall be fulfilled. Don't visit us before seeking admission anyway.